दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। चंबा को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली सलोनी लंगेरा भद्रवाह मुख्य सड़क पिछले एक महीने से बंद है। लंगेरा के पास मार्ग बंद होने के कारण 45 परिवारों का संपर्क समूचे विश्व से कटा हुआ है, लेकिन कछुए की चाल चला लोक निर्माण विभाग सड़क बहाल करने में नाकाम रहा है, जिस कारण लोग अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। सड़क बंद होने के कारण संघनी स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चों व रोजमर्रा का सामान लाने के लिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नायब तहसीलदार सलोनी कार्तिक धीमान ने सड़क बहाली हेतु ग्रामीणों द्वारा दिए ज्ञापन की पुष्टि। आज लगेरा वासियों का एक डेपुटेशन तहसील कार्यालय में मुझसे मिला है। इनकी समस्या के बारे में, सड़क लगेरा से बंद है, उसके बारे में सीनियर ऑफिसर की सेवा भी विस्तृत कर दिया जाए। आज हम गाँव वासी लंगेरा के साथ तहसील कार्यालय सलोनी में गए और हमने जो हमारा एक महीने से रोड बंद है उसके बारे में विचार किया और नायब तहसीलदार ने हमें भरोसा दिया कि एक हफ्ते के अंदर इस रोड को बहाल किया जाए, नहीं तो हम एक हफ्ता के अंदर पूरे पंचायतवासी, ग्राम पंचायत भांदर के पूरे पंचायत के वासी धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हम ग्राम पंचायत भांदर के प्रधान श्री सुरेश जी के साथ और अपने गाँव वासियों के साथ आज कार्यालय सलोनी में तहसीलदार जी के साथ उन्होंने हमने ज्ञापन दिया और हमें मौके पर ना SDO मिला ना एक्सीन मिले। अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द इन्होंने नहीं सुना तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। एक माह से हमारा रोड बंद पड़ा हुआ है, अभी तक कोई भी प्रशासन अधिकारी वहां पर विजिट करने के लिए नहीं आया। तो आज हमने अभी नायब तहसीलदार जी को अपना ज्ञापन दिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम एक्सीन और SDO के साथ बात करके आपको जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सलोनी से सुरेश ठाकुर की रिपोर्ट।